जब देश की राजनीति की बात होती है और उसमें आप देखेंगे उभरते हुए युवाओं की बात होती है, तो मुझे लगता है उसमें एक नाम और गिना जाता है, वो है कन्हैया कुमार। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इन्हें सुनते भी होंगे, इनके भाषण आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कन्हैया कुमार के बारे में एक विस्तार से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की आपने देखा है कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लग चुका है। बाद में आपने देखा है कि इन्हें जेल जाना पड़ा और बाद में इन्हें वरी कर दिया गया, इनके खिलाफ काफी सबूत ना होने के कारण, समझ रहे हैं। और एक बात और आपको शुरू में बता देता हूं, देखिए किसी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना सरकारों के लिए बहुत नॉर्मल बात होती है। आपको बता दूं कि आप लोगों ने इतिहास में अगर पढ़ा है तो सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के बारे में पढ़ा होगा। आप देखिए कि उस समय ये लोग अंग्रेज सरकार के विरोध बोलते थे, खोलकर आप देखिए उनकी आलोचना करते थे अंग्रेज सरकारों की, अंग्रेजों की, तो उन्हें भी देशद्रोही कहा गया, आतंकवादी कहा गया। तो ये सरकार अपनी लाज बचाने के लिए, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले आप लोग चले जाइए, हर सरकार में आपने देखा है कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। बाद में आप देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके आप देखिए कि इनका निर्णय होता है, और इसमें आप देखेंगे मुश्किल से कुछ ही लोगों पर आप देखिए एक तरह से देशद्रोह का कानून लागू हो पाता है, बाकी सभी बरी हो जाते हैं। तो ये सब एक तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं कि मनन गणंत कहानी रहती है इनकी, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे कन्हैया कुमार, और आज हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस में ये शामिल हो रहे हैं। तो कन्हैया कुमार की ये पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है, और आपको बता दूं कि ये बिहार से संबंध रखते हैं। कहां से? बिहार से। इनका वास्तविक नाम है कन्हैया कुमार और इनका जन्म होता है 2 जनवरी 1987 को इनका जन्म होता है। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो बरौनी बेगूसराय बिहार में इनका जन्म होता है। एक बार आप लोग बिहार को देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए कि बिहार की इन्हें कुछ पद मिलेगा और बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय भी रहते हैं, वैसे तो देश की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा बिहार है आपका, इसकी राजधानी पटना हो गई और 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य का दर्जा मिला था। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा सीटें हैं 243 और विधान परिषद सीटों की बात करें तो 75 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 16 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें आपको 40 देखने को मिलेगी। और बिहार से लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से भी, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से लगती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनके हम लोग पिता की बात करें, कन्हैया कुमार के पिता का नाम जयशंकर सिंह जो एक किसान थे, और माता का नाम बात करें तो मीना देवी जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और आपको बता दूं कि ये जाति इनकी है भूमिहार ब्राह्मण, क्योंकि आपको इसलिए जाति बतानी पड़ती है क्योंकि हमारे देश की राजनीति में जाति एक तरह से विष की तरह घुल चुकी है। और आप सोचिए कि हर जब भी चुनाव होते हैं किसी राज्य भी राज्य में, तो वहाँ जाति धर्म के नाम की बात होना स्वाभाविक भी रहती है। इसके बाद आपकी इनकी शिक्षा की बात करें तो RKC हाई स्कूल बरौनी बेगूसराय से शुरुआती शिक्षा अपनी लेते हैं। उसके बाद कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना बिहार से ए शिक्षा लेते हैं। और बाद में आपने देखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मगध PhD यूनिवर्सिटी गया बोध बिहार से करते हैं। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से ये पढ़ाई करते हैं। और इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अफ्रीकी अध्ययन में इन्होंने PhD की हुई है, और आप देखेंगे काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आप समझ रहे हैं, डॉक्टर भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जिन जो PhD कर लेते हैं उनके आगे डॉक्टर भी लगने लगता है। अगर हम लोग व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि छात्र भी रहे, कार्यकर्ता भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीति से भी जुड़ चुके। और विवाद की अगर बात करें, सबसे पहले अगर कन्हैया कुमार विवाद में आए, चर्चा में आए, तो ये 2016 की बात है। 13 फरवरी 2016 को उन्हें छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि उनकी रैली जो हुई थी उसमें किसी ने देश विरोधी नारे लगाए थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये हमेशा उसे नकारते रहे हैं।
कि मेरी रैली में मैं वहां था नहीं, इस तरह से मनगढ़ंत कहानी ये भी अपनी करते रहते हैं। एक बात लेकिन मैं यहाँ साफ कर दूँ आप लोगों को, देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर भारत देश से किसी को प्रेम नहीं है और हमारी सेना पर किसी को भरोसा नहीं है, तो मैं आज भी कहता हूं कि उन्हें भारत से निकल जाना चाहिए, क्योंकि भारत माता से प्रेम हर किसी को रहता होगा। मुझे तो लगता है कि भारत में जो रह रहा है, भारत का खा रहा है, तो वो मुझे लगता है कि अगर दूसरे देश की गान करे, गुणगान करे, तो उसे बड़ा दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि देखिए अब आप लोग इतने समझदार हैं, आप अपनी सोच बनाते रहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर हम लोग कन्हैया कुमार के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें, यानी कि कन्हैया कुमार के राजनीतिक सफर की बात करें, तो वे 2008 में अखिल भारतीय छात्र परिषद के सदस्य बनते हैं, अखिल भारतीय छात्र परिषद के। उसके बाद आप देखेंगे 2015 में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष बनने वाले पहले AISF सदस्य थे, यानी कि अखिल भारतीय छात्र परिषद के पहले कोई ऐसा सदस्य जो JNU का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और आप सभी जानते हैं कि जो छात्र संघ JNU का छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, उसका राजनीति में आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा, एक तरह से आप कहिए JNU आप लोग समझते हैं। फिर आप देखेंगे 2018 में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनते हैं, और आपने देखा होगा कि 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, और ये क्या करते हैं कि बिहार के बेगूसराय से CPI यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनते हैं और एक टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये चुनाव हार जाते हैं। और आपको बता दूं कि आपने उस समय का इनका इंटरव्यू भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, तो इनका कहना भी था, इन्हें इसका आभास भी था मुझे लगता है कि चुनाव मुश्किल है, ऐसी राजनीति में जिस तरह की भारत में राजनीति चलती है, इसमें जीतना इनका संभव भी नहीं था। ठीक है, और 28 सितंबर 2021 को कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हो जाती है। अब आगे इनका राजनीतिक सफर क्या रहता है, इन्हें क्या पद दिया जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, और आने वाले समय के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था यही है कि आप लोग न्यूज पेपरों से जुड़े रहिए, और आज के समय में तो आपके पास मोबाइल सुविधा भी हो चुकी है, तो देश दुनिया की खबर आप अपने मोबाइल में ही देखते रहते हैं। तो आगे के लिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको न्यूज से जुड़ा रहना होगा। इनके अगर हम लोग विवाद की भी बात कर लें, क्योंकि ये विषय विवाद के कारण काफी लोग इन्हें देशद्रोही भी कहते हैं, और आपको एक बात हमेशा बता दूं कि जब तक कोई आरोप साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसे देशद्रोही करना मुझे लगता है कि परफेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे देश की ये अलग परंपरा ही बनी चुकी है कि मान लीजिए कि किसी का नाम अगर किसी भी केस में आ चुका है, तो एक तरह से उसे आरोपी बना दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है कि इसने काम किया ही है, आगे चल के चाहे वो आप देखिए कि वो निर्दोष साबित हो, तो ये हमारे तरह हमारे देश की विडंबना कहिए, जो भी कहना है कहिए। कन्हैया कुमार देश विरोधी प्रवृत्ति के आरोप लगे थे, और जिसका कारण काफी विवाद में भी रहा है, और 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अब जल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं कि नारे लगाने के आरोप लगे थे। मीडिया द्वारा दिखाए गए वीडियो को काट चाट कर फैलाया गया, जिसके कारण पुलिस द्वारा न्यायालय में उचित सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया था। इन पर आरोप तो लगे थे, इसमें कोई दोहराव नहीं है, लेकिन आगे चल के न्यायालय ने इन्हें वरी भी कर दिया गया, इन्हें छोड़ दिया, इन्हें जेल से निकाल दिया गया था। ठीक है, और कन्हैया कुमार के विरोध आप सभी जानते हैं कि राजद्रोह का मुकदमा भी दायर किया गया था, उस पर भी आप देखते हैं किस तरह से बात हुई है, कोई अभी सबूत भी नहीं रहे हैं। तो ये कहानी है कन्हैया कुमार की, और मुझे लगता है ऐसा कि देखिए अगर राजनीति में इस तरह की युवा आते हैं तो काफी अच्छी बात है, अगर दबेज कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं तो मुझे लगता है काफी है। और स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे, रोजगार के बारे में बात करेंगे, और देश में लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब तक विपक्ष मजबूत रहे, और आज के समय में कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है मुझे लगता है कि आप सभी लोग बेहतर भी जानते हैं। कांग्रेस को अगर मजबूत करते हैं तो अच्छी बात है,
चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा। फिलहाल कन्हैया कुमार की तो यही कहानी है।